ध्यान रखिएगा, मानव के जीवन में शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, चाहे बेटियां हों या बेटे हों, दोनों के जीवन में। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बालक और बालिकाओं को शिक्षा से वंचित ना रखें, दूर ना रखें, शिक्षा दें, ज्ञान दें। और यहाँ पर मैं दोनों प्रकार की शिक्षा की बात कर रही हूँ, एक तो भौतिक जगत की शिक्षा, स्कूल कॉलेज की शिक्षा, डिग्री, और दूसरी शिक्षा होती है धर्म की, आध्यात्मिक। ये जो भौतिक जगत की शिक्षा है जो हमको स्कूल से कॉलेज से मिलती है, जहाँ हम ग्रेजुएट करते हैं, पीजी करते हैं, वो हमको डिग्री दिलाती है। डिग्री के साथ साथ आजीविका चलाना, पेट भरना, वो शिक्षा सिखा देती है। कमाना कैसे है वो संसार की शिक्षा बताएगी। लेकिन जो आर्ट ऑफ लिविंग है, जो जीवन जीने की कला है, वो शिक्षा आध्यात्म से मिलती है। कहां से मिलती है? आध्यात्म से। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स, माता पिता बैठे होंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ अध्यात्म की शिक्षा अवश्य दें। भौतिक शिक्षा से दूर ना रखें। आपके पास सामर्थ्य है, भारत में पढ़ाओ, ज्यादा पैसा है विदेश में पढ़ाओ, पढ़ाओ, अच्छे से अच्छी डिग्री दिलाओ, अच्छे से अच्छे आपके बालक बालिका पढ़े। लेकिन वो शिक्षा जो पेट भरना सिखाती है, उसके साथ साथ ये शिक्षा जो जीवन जीना सिखाती है, वो बहुत जरूरी है। रामचरितमानस की शिक्षा, श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा, श्रीमद् भागवत की शिक्षा, क्यों? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज कर्म को करना सिखाती रोज रामायण। आज यदि मैं पूछूं, इतना जनमानस, इतना जन समुदाय, यदि मैं पूछूं कि रामचरितमानस किस किस के घर पे है, हाथ खड़े करो। मोस्टली सभी के घर पे है। अब हाथ नीचे करो और मुझे ये बताओ कि प्रतिदिन कौन पढ़ता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस ये है हमारा धर्म। क्यों रखा है ग्रंथ आपने? उस पे जल चढ़ाओगे, उस पे टीका चंदन करोगे? अरे भैया वो पेज है, आप जल चढ़ाओगे वो गल जाएंगे। रामचरितमानस का सम्मान उस पे टीका चंदन करने से नहीं होगा। उसका सम्मान जब होगा, जब स्वर के साथ जोर जोर से प्रतिदिन घर पे रामचरितमानस का पाठ किया जाए, तब उसका सम्मान होगा। तो यहाँ जितने लोग हैं, जो मम्मियाँ बैठी, उनको ज्यादा लगता ना हमारे बच्चे मॉडर्न बन जाएं, अंग्रेज बन जाएं, अंग्रेजी सीख जाए। अरे बिल्कुल बनाओ, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस शिक्षा से वंचित ना रखें, ये धर्म की शिक्षा है। आज हम कहते हैं हमसे अच्छे तो वे मुसलमान होते हैं, जो कम से कम उनके कितने 4-5 वक्त की नमाज होती है वो पढ़ते हैं समय पे। यदि वो गली में भी, रास्ते में भी चल रहे हैं, तो वहां पे अपना जो भी उनका सिस्टम है वो करके वो पढ़ते हैं। और एक हम, यदि हमसे पूछा जाए कि आखिरी समय रामचरितमानस कब पढ़ी थी, तो कोई कहेगा नवरात्रि में पढ़ लेते हैं कभी कभी, कोई कहेगा सावन के महीने में पढ़ लेते हैं कभी। ये धर्म है हमारा। हम खुद हमारे धर्म के लिए घातक हैं, और हम फिर बात करते कि हमारा धर्म ऐसा। आप खुद तो सोचो कि आप खुद कितने समर्पित हो अपने धर्म के प्रति, कितने समर्पित हो। आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हो, पर कभी सोचा कि हमें अपने बच्चों को रामचरितमानस कैसे पढ़ना है, वो सिखाना है, कभी सोचा है? एक चौपाई, एक दो, हमें नहीं कहती कि पूरी पूरी पढ़ो, एक चौपाई, एक दोहा, दो चौपाई, दो दोहा, पढ़ने में क्या होगा? कुछ अच्छा ही होगा। गीता का अध्ययन, रामचरितमानस का पाठ आपके घर पे होना चाहिए। यदि ये ग्रंथ हमारे घर पे हैं, तो सिर्फ रखे रहने के लिए, उन पे दीमक लग जाए, उस लिए नहीं है, उनको पढ़ना है। तो मेरा निवेदन है, हम लोग सिर्फ कह सकते हैं, जीवन में मानना ना मानना वो आपके ऊपर है, पर बार बार निवेदन है कि आप अपने बच्चों को
संसार की अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, लेकिन उसके साथ साथ ये धर्म की शिक्षा जरूर दें, अध्यात्म की शिक्षा जरूर दें, जो जीवन जीना सिखाती है वो शिक्षा आप अपने बच्चों को जरूर दें। अंग्रेज ना बनाए, आप किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहां शायद उनसे अंग्रेजी भी नहीं बनती, सिर्फ ब्रिटिश में इंग्लिश बोली जाती है ज्यादा, बाकी आप जर्मनी जाओ तो वो जर्मन बोलेंगे, इटली जाओ वो इटालियन बोलेंगे, डेनमार्क जाओ वो डच बोलेंगे, टर्किश बोलेंगे, अलग अलग वो अपनी भाषा बोलते, उनसे अंग्रेजी भी नहीं आएगी। और हमको क्या बनना है, हमको क्या बनना है, अपने बच्चों को क्या बनाना है, अंग्रेज। कहते ना अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए। मातृभाषा से बड़ा कुछ भी नहीं होता, और हमारी मातृभाषा हिंदी है। और ध्यान रखिए, सबसे अधिक शब्दकोश वाली भाषा है हिंदी। मैं ये नहीं कह रही कि अंग्रेजी मत पढ़ाओ, जरूरत पड़ती, हम लोग बाहर जाते बहुत जरूरत पड़ती अंग्रेजी की, लेकिन कितनी जरूरत, जितना दाल में नमक, कितनी जरूरत, जितना दाल में नमक, ना कि पूरी दाल। तो मेरा निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाइए जो जो चल रहा है, आधुनिक शिक्षा दीजिए, लेकिन जो धर्म की शिक्षा है, जो आध्यात्म की शिक्षा है, वो आपको घर से देनी पड़ेगी। जिससे आपके बच्चे तिलक लगाने में हिचकिचाए ना, आपके बच्चे कलावा बांधने में हिचकिचाए ना, क्योंकि आज स्कूल में तो उनको वहीं भेजा जा रहा है जहाँ ये सब करना सिखाते हैं, स्कूल वही है उनके। ठीक है, लेकिन कम से कम घर से तो वो शिक्षा मिले उनको, जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाती हो, जो संस्कार को दिखाती हो, जो आध्यात्म जगत की ओर बढ़ाती हो। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि बच्चों को शिक्षा से दूर ना रखें, दोनों प्रकार की शिक्षा दें। दूसरी बात, बेटे को भी पढ़ाएं और बेटी को भी पढ़ाएं। आज हम ये भी देखते हैं कि बेटे को पढ़ा देंगे, क्यों, वो पढ़ा के खूब कमाएगा, बेटी थोड़ी कमाएगी, उसको तो वो ससुराल जाके काम धाम चूल्हा चौका करना है। आपकी मानसिकता ये आपने बना ली है कि उसको ये करना है। मेरा निवेदन है दोनों को पढ़ाइए, अब वो आपकी खुद की स्वेच्छा है, आपको क्या करना है क्या नहीं, पर निवेदन ये है कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रखें। भौतिक और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्म की शिक्षा भी बच्चों को आप प्रदान करें, बहुत जरूरी है। शिक्षा मानव के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तभी तो जब देवकी बसुदेव कारागार से, जरूरत नहीं थी उनको कि कृष्ण पढ़ने आए, लेकिन भगवान को भी पढ़ने के लिए भेजा है सांदीपन गुरु जी के आश्रम में।